आज भी हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारा 15th क्वेश्चन है। ये हमारे सिंपल लोन है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। हमने बैंक का कर्ज लेना है 20,000 रुपये। अब पासबुक को कैश बुक के साथ मिलाना है। फॉलो किसको करना है? कैश बुक को। एडलेस किस में करना है? पासबुक में। तो हम चलते हैं आइटम नंबर ए में। तो आइटम नंबर ए क्या है हमारी? 30 दिसंबर को 80,000 रुपये के चेक अपन ने इशू किए, 15,000 रुपये के चेक इनकैश हुए, तो पासबुक लोन कम दिखा रही है, कैश बुक लोन ज़्यादा दिखा रही है। अब डिफरेंस कितना है? 65,000 का। तो पासबुक को कैश बुक के साथ मिलाने के लिए हम ऐड करेंगे चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 65,000। नेक्स्ट आइटम, अगली आइटम हम देखेंगे 6,500 के चेक हमने बैंक में जमा करवाई, 2,500 रुपये के चेक बैंक ने जमा किए, तो झगड़ा कितने का है? 4,000 का। कैश बुक लोन कम दिखा रही है, पासबुक ज़्यादा दिखा रही है, तो हम उससे लेस करेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाई बैंक 4,000। इसके बाद नेक्स्ट आइटम नंबर 3, द बैंक चार्जेस 700 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाई बैंक। तो पासबुक लोन ज़्यादा दिखा रही है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैश बुक लोन क्या दिखा रही है? कम। पासबुक को मिलाना है कैश बुक के साथ, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाई बैंक 700। इसके बाद नेक्स्ट आइटम, बैंक ने हमारे को 2,000 रुपये का क्रेडिट दिया, दो चीज़ें हमारे अकाउंट में जमा की, एक तो 1,400 रुपये इन्वेस्टमेंट पर ब्याज, और एक कस्टमर ने सीधे बैंक में क्या करवा दिए? जमा। इससे पासबुक में लोन कम हो गया, कैश बुक में कम नहीं हुआ। हम दोबारा से ऐड करेंगे, इनको दो आइटम में दिखाएंगे, डायरेक्ट पेड बाय द डेटर्स इन बैंक 1,400, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक 600। इसी प्रकार से अब लास्ट आइटम देखेंगे, एक चेक 600 रुपये का हैज बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट वॉज नॉट सेंट फॉर कलेक्शन। व्यापारी ने एक चेक बैंक के नाम लिख दिया, कैश बुक में लोन कम कर दिया, परंतु बैंक में भेजना भूल गया, तो पासबुक लोन क्या दिखा रही है? ज़्यादा। कैश बुक क्या दिखा रही है? कम। तो हम इसे लेस करेंगे चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन 3,600। अब हमारी ऐड वाली आइटम है 67,000, इसको इधर ले जाएंगे, 20,000 ऊपर है, 87,000 हो गया। लेस वाली आइटम है हमारी 8,300, ऐड वाली आइटम का टोटल ज़्यादा है, लेस वाली का कम है, तो हम करेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। हम ऊपर लेके चले थे पासबुक, नीचे बचेगा हमारा कैश बुक। ऊपर का टोटल बड़ा है, नीचे का छोटा है, ऊपर डेबिट है तो नीचे आएगा क्रेडिट। ये हमारा मेथड है, इस मेथड के आपने सारे क्वेश्चन और सारे एग्जांपल करने हैं।